बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे आईकॉम पार्ट वन की अकाउंटिंग की शॉर्ट डेफिनेशंस का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करने लगा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है जी पेज नंबर 541 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डेफिनेशन नंबर वन जो है वो आ रही है एरर ऑफ ओमिशन के नाम से। ओमिशन का जो वर्ड है ओमिट से निकला है, इसका मतलब किस चीज़ का भूल जाना। तो वो एरर्स जो भूलने की वजह से होते हैं उनको एरर्स ऑफ ओमिशन कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अकाउंटेंट्स जब बिज़नेस की ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या बुक कीपर्स जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो वो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स की वजह से वो कोई चीज़ जो है उनसे रिकॉर्ड होने से रह जाए। तो जो चीज़ भी उनसे मिस हो जाएगी या कोई बैलेंस या कोई अमाउंट वगैरह लिखने से रह जाएगी हम कहेंगे कि ये उन्होंने ओमिट कर दिया और ये वाला जो एरर है अकाउंटिंग में एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ जी, एन एरर इन विच अ ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। मुकम्मल तौर पर आप वो चीज़ लिख ही नहीं पाते हो, भूल जाते हो। जैसा कि गुड सोल्ड टू शकील हैज़ बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द सेल्स जर्नल। आपने गुड सेल की थी लेकिन आपने सेल्स जर्नल में उसको रिकॉर्डिंग उसकी नहीं की, तो ये कंप्लीट एंट्री रिकॉर्ड होने से रह गई है। ये वाला एरर जो है एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। नेक्स्ट है जी एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है, एन एरर विच इन विच अ ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द राइट अकाउंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम क्लास इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। यानी कि राइट अकाउंट की बजाय रॉन्ग अकाउंट में आप अगर अमाउंट की रिकॉर्डिंग कर लें तो उसको जो है वो एरर ऑफ कमीशन कहा जाएगा। जैसा कि कहा यहाँ पर क्या एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू आमिर रॉन्गली डेबिटेड टू अनवर अकाउंट। आमिर को आपने गुड्स सेल करनी थी, सेल की थी, लेकिन आपने आमिर के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अनवर के अकाउंट को, यानी रॉन्ग अकाउंट में अगर पोस्टिंग होगी ना तो वो एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। नेक्स्ट है जी कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेट का मतलब एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है एक दूसरे को। क्या है जी, इट मीन्स दैट सम एरर्स इन अमाउंट हैव अकर्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टू और मोर अकाउंट्स एंड हैव कैंसल्ड देमसेल्व इन द नेट रिजल्ट आर कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। एक एरर डेबिट हो रहा है, एक अमाउंट आपने लिखी है 500 से डेबिट और एक और गलत अमाउंट लिखी गई है 500 से क्रेडिट, तो एक एरर दूसरे को कंपनसेट कर रहा है इफेक्ट जीरो करने के लिए, तो ये कंपनसेटिंग एरर कहलाएंगे। उसके बाद एरर ऑफ पोस्टिंग, एन एरर इन विच अमाउंट इज पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द सेम अकाउंट इज नोन एज एरर ऑफ पोस्टिंग। आपने जो है वो किसी मतलब अमाउंट लिखनी थी डेबिट साइड पे, आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया अमाउंट को, या क्रेडिट साइड पर लिखना था उस अमाउंट को आपने पोस्ट कर दिया डेबिट साइड पर गलती से, तो ये वाला एरर एरर ऑफ पोस्टिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल लिखी हुई, गुड सोल्ड टू अरशद रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। आपने अरशद को जो है वो गुड सेल किए हैं तो एंट्री ऐसी सूरत में क्या पास होती है, अरशद टू सेल्स, लेकिन अरशद यहाँ पर डेबिट होता है, लेकिन क्या हो गया, अरशद को आपने क्रेडिट कर दिया, तो ये एरर ऑफ पोस्टिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है जी एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब क्या, टोटल अगर ज़्यादा लिखा जाए गलती से, 1000 था 1200 लिख दिया या 1000 था आपने 800 लिख दिया, तो ये वाला जो एरर है ना, टोटल की कमी या बेशी वाला जो एरर है, इसको आप एरर ऑफ कास्टिंग कहते हैं। लिखा हुआ एरर विच अराइजेज एन एरर ड्यू टू विच टोटल ऑफ एन अकाउंट इज मोर और लेस रिकॉर्ड इज नोन एज एरर ऑफ कास्टिंग। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ सेल बुक हैज बीन अंडर कास्ट, सेल बुक आपकी 500 से कम लिखी जाए तो वो आपका कास्टिंग एरर में आएगा, ठीक है जी, वो ट्रांजेक्शन आपकी कास्टिंग एरर वाली ट्रांजेक्शन होगी। उसके बाद है जी एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब आप जो आप अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उनमें कोई एरर कर दें या उनकी कोई गलती आपसे हो जाए। जैसा कि लिखा हुआ आ रहा है एरर्स विच अराइजेज आउट ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। लाइक रिपेयर ऑफ फर्नीचर हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की रिपेयर आपने करवाई है तो इसका मतलब है ये आपका एक्सपेंस था, रिपेयर आपका एक्सपेंस है, लेकिन आपने रिपेयर को डेबिट करने के बजाय फर्नीचर के अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर ली, यानी आपने ये समझा कि हमने एसेट को खरीदा। अब यहाँ पर ये एंट्री जो है इसका मतलब है कॉन्सेप्ट की गलती है, आपने एक्सपेंस को डेबिट करना था, आपने एसेट को डेबिट किया है लेकिन एसेट कंसीडर करते हुए, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। नेक्स्ट है जी एरर ऑफ बुककीपिंग। तो ये क्या है जी, एरर विच आर मेड इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जर्नल एंड लेजर आर कॉल्ड बुककीपिंग एरर्स। वो एरर्स जो आपके जर्नल और लेजर की बुक्स में होते हैं यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो रहे होते हैं उनको एरर ऑफ बुककीपिंग कहते हैं। एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है जी, एरर विच आर मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर कॉल्ड ट्रायल बैलेंस एरर। वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हो रहे होते हैं उनको आप ट्रायल बैलेंस एरर का नाम एरर्स का नाम देते हैं। और सस्पेंस अकाउंट किसको कहेंगे, अ सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच दोज ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड विच कैन नॉट बी प्लेस टू देयर प्रॉपर अकाउंट्स।
सस्पेंस अकाउंट बेसिकली एक टेम्पररी अकाउंट है. इस अकाउंट को हम उस जगह पर लिखते हैं जहां पर कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई अमाउंट कम होती है किसी अकाउंट की, ठीक है. यानी जिस अकाउंट में अमाउंट कोई आनी चाहिए थी वो अमाउंट नहीं लिखी गई या पूरी नहीं लिखी गई. तो जितने से अमाउंट शॉर्ट होती है उतने से सस्पेंस अकाउंट आता है. तो लिखा हुआ जी सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट, ये अकाउंट ऐसा अकाउंट है इन विच दोज ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड, इसमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं विच कैन नॉट बी प्लेस टू देयर प्रॉपर अकाउंट, जिनको अपने प्रॉपर अकाउंट में प्लेस नहीं किया गया होता किसी वजह से, ठीक है जी. तो ये थी स्टूडेंट हमारी चैप्टर नंबर 15 की डेफिनेशन. आई होप कि आपको पूरी बुक की डेफिनेशन समझ आई होंगी. मुझे जो है वो आप इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.